बांदा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी बांदा द्वारा सौंपा गया। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने अपनी 10 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, सीसीसी एनपीआरएन आरएस जैसे कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, शिक्षा का व्यवसायीकरण खत्म किया जाए, मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण अत्यंत आवश्यक है, एबीएम से वोटिंग को तत्काल बंद करके पुराने तरीके से चुनाव कराया जाए, सरकारी संपत्तियों को पूंजीपत लोगों को बेची जा रही है उसमें तत्काल रोक लगाया जाए आदि मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा को दिया गया। क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर के आप लोग आए हैं? जी मैं हृदय बौद्ध हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जिला संयोजक, और आज हम लोग यहाँ पर जो है एक देशीय शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके, और हम लोग तीन जो किसान बिल हैं और जन समस्याओं के समाधान हेतु और किसानों के समर्थन में हम लोगों ने जिलाधिकारी के महोदय से के द्वारा राष्ट्रपति के नाम में एक ज्ञापन देने आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किन मांगों को लेकर के आज आप लोग आए हैं? मेरा नाम सुखलाल बौद्ध है, जनपद बांदा जिले में आज 10 सूत्री ज्ञापन हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले देने आए हैं। सबसे पहले हम किसान बिल का विरोध करते हैं, ये तीनों किसान बिलों को वापस किया जाए। दूसरी मांग है हमारा महिलाओं को पूरा रक्षण दिया जाए। तीसरा मांग है हमारा हमारी जो विद्या का स्कूल का है वो राष्ट्रीयकरण किया जाए, और चौथा है हमारा जो हमारा बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको रोका जाए, और चौथा हमारा यह है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ महंगी हो रही हैं उनको सस्ता कराया जाए, और जो भी सरकारी संपत्तियां बेची जा रहे हैं उनको रोका जाए। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हम माननीय डीएम महोदय को के हाथों ज्ञापन सौंप करके महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के आज हम लोग माननीय डीएम बांदा के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। क्या